माननीय विदेश मंत्री महोदय, श्रीमती सुषमा स्वराज, माननीय राज्य मंत्री संचार स्वतंत्र प्रभार श्री मनोज सिन्हा, विदेश राज्य मंत्री चंद्र वीके सिंह, सचिव महोदय श्री ज्ञानेश्वर मुनि, श्रीमती उषा चंद्रशेखर, सदस्य प्रचालक राशि राव, संयुक्त सचिव महोदय श्री अरुण कुमार चटर्जी, सभा में विद्यमान अन्य पासपोर्ट अधिकारीगण एवं उपस्थित सभी अधिकारीगण का मैं आज पासपोर्ट सेवा दिवस के मौके पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि सर्वविदित है कि पिछले 3 वर्षों से लगातार विदेश मंत्रालय ने सार्वजनिक हित में पासपोर्ट सेवाओं का अत्यंत सरलीकरण किया है। हम माननीय मंत्री महोदय को बधाई देते हैं कि उनके डायनेमिक नेतृत्व एवं जन सेवा के प्रति उनके व्यवहारात्मक एवं संवेदनशील दृष्टिकोण के कारण ही इतने वृहद स्तर पर नियमों का सरलीकरण हो सका है एवं पासपोर्ट सेवाओं में नए युग का आरंभ हुआ है। माननीय विदेश मंत्री महोदय, आपके द्वारा लिए गए इनिशिएटिव्स और विभिन्न कैटेगरीज में पासपोर्ट नियमों में दी गई राहत के बदले में आई हुई जन शुभकामनाएं इस मंच से हम आपको कन्वे करना चाहते हैं। मैं माननीय विदेश राज्य मंत्री चंद्र वीके सिंह जी का भी उनके सतत मार्गदर्शन एवं सकारात्मक अनुकरण के लिए आभार व्यक्त करती हूँ। सभा की कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए मैं श्रीमती रश्मि भावेर आरपीओ भोपाल से रिक्वेस्ट करती हूँ जो पुष्प प्रदान कर माननीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी का स्वागत करें। ठीक।
से महोदय श्री ज्ञानेश्वर मूले सर से मैं आग्रह करती हूँ कि वो स्वागत संबोधन करें। चार पांच आंकड़े मैं आपको प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि जिससे आपको पता चले कि कैसे हम आगे
किए जाते हैं, जिसमें से 12,000 से ज़्यादा अपॉइंटमेंट जो है जो पोस्ट कार्यालय में, पासपोर्ट कार्यालय में दी जाती है। इसके अलावा हर महीना वे क्रॉसिंग 1 मिलियन पासपोर्ट सर्विसेज, 10 लाख पासपोर्ट सेवाएं हम हर महीना लोगों को, हर माह प्रतिमाह लोगों को दे रहे हैं। अगर इस देश में 7.5 करोड़ लोगों के पास आज पासपोर्ट है, तो उसमें से 5.5 करोड़ पासपोर्ट जो है पिछले कुछ वर्षों में दिए गए। ये पासपोर्ट के आंकड़े, आज हमने 1 करोड़ का आंकड़ा जो है पार कर दिया। ये जो संख्यात्मक वृद्धि है, मैं समझता हूँ अपने आप में हमारी सेवा का जो विस्तार हो चुका है उसका बहुत अच्छा प्रतीक है। तीसरी बात जो है, तीसरा आयाम जो है, मैं समझता हूँ कि संवेदनशीलता, पासपोर्ट के सरलीकरण की प्रक्रिया में भी संवेदनशीलता है। पूरा जो काम का चलता है मंत्रालय के इस विभाग का, पासपोर्ट विभाग का, वो भी उसमें भी काफ़ी संवेदनशीलता लाई गई, चाहे वो एकल अभिभावक हो, चाहे वो अनाथाश्रम के बच्चे हो, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ के बारे में रिक्वायरमेंट्स हो, या पते की बात यही है कि हमने बहुत जो है नियम सरल किए हैं। आप जानते हैं कि आज गैजेटेड अफसर के वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट की तत्काल के लिए आवश्यकता नहीं है। अपने आप में एक छोटा लेकिन बहुत ही, मैं समझता हूँ कि ट्रांसफॉर्मेटिव बदलाव है। तो इस तरह से कई सारे बदलाव पिछले 2-3 सालों में आए हैं, जिसके वजह से ये ना सिर्फ ट्रांसफॉर्मेटिव है लेकिन इसको रिवोल्यूशनरी बदलाव भी कहा जा सकता है। हमारा जो लक्ष्य है वो यही है, पासपोर्ट आपके द्वार, वो भी सबके सम्मान के साथ और सबके आदर के साथ। इस 125 करोड़ के हमारे देश में आज भी सिर्फ 7.5-8 करोड़ लोगों के पास ही पासपोर्ट है। इसका मतलब है कि हमारा सफर काफ़ी लंबा रह चुका है, लेकिन आगे वाला सफर और भी लंबा है। और मेरे विदेश मंत्रालय की तरफ से ये हम लोग सब प्रतिबद्ध है कि ये सेवा जो है हम हर भारतीय नागरिक के द्वार पर पहुँचाते रहेंगे। यही हमारी प्रतिज्ञा है, यही हमारी प्रतिबद्धता है। मैं आप सबका पुनः स्वागत करता हूँ और ये पासपोर्ट दिवस के इस समारोह के तहत 2-3 दिन जो वार्तालाप होंगे, चर्चाएँ होंगी, डिलीबरेशन होंगी, मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छी तरह से प्रयुक्त होगी और विदेश मंत्रालय और भारत की जनता के लिए सहायक होंगे। धन्यवाद। सचिव महोदय, अब मैं माननीय विदेश राज्य मंत्री श्री जनरल वीके सिंह जी से अनुरोध करती हूँ कि वो सब उपस्थित अधिकारी दल का मार्गदर्शन करें। माननीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी, माननीय संचार राज्य मंत्री टीसीएस के और सभी क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारीगण जो यहाँ पर मौजूद हैं, साथ साथ मीडिया के, हमारे अलग अलग मीडिया से आए हुए सभी मित्रगण, सबसे पहले तो मैं आज के दिन सभी पासपोर्ट अधिकारियों को इस चीज़ की बधाई देता हूँ कि पिछले कुछ वर्षों में जो पासपोर्ट सेवाओं में प्रगति हुई है उसका श्रेय आपको जाता है। बहुत काम हुआ है, मार्गदर्शन विदेश मंत्री जी का था, कई नई नई चीज़ें लाई गई हैं और साथ साथ कई नई चुनौतियां भी हमारे सामने हैं। अगर विदेश मंत्रालय का जनसंपर्क है तो वो पासपोर्ट सेवाओं के द्वारा है और उससे जिस प्रकार से विदेश मंत्रालय को जाना जाता है
जिस तरीके से पहचाना जाता है, मैं बहुत गर्व से कह सकता हूँ कि सरकार के अंदर अगर जनहितकारी एक चेहरा अगर देखने को मिलता है तो विदेश मंत्रालय का मिलता है, अपनी पासपोर्ट सेवाओं के द्वारा। पासपोर्ट सेवाओं में वृद्धि हुई है, आपको कुछ आंकड़े दिखाए गए, 1 करोड़ से ज़्यादा आज हम पासपोर्ट बनाते हैं, 19% हमारी वृद्धि हुई है, 12,000 के करीब हम अपॉइंटमेंट अपने जो नए हमारे डाक विभाग के साथ मिलकर हमारा प्रयास चल रहा है वहाँ पर अपॉइंटमेंट आते हैं। इन सब के साथ साथ हमारे अधिकारियों पर एक नई चुनौती है कि कैसे अपनी कम संख्या के होते हुए इस कार्यभार को सुचारू कर सके। ये एक चुनौती है जिसको हमने बिना किसी झिझक के, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी तरफ देखे हुए इसको पूरा करना है। आपको पता है कि इससे पहले भी हम लोग कैंप लगाते थे, आप लोग शनिवार और इतवार को जाते थे, जाकर जो लोगों की दिक्कत है उसको पूरा करते थे। अब आपके पास चुनौती दूसरे प्रकार की है, तो मैं ये चाहूँगा कि इसके ऊपर हमारे क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी और पूरा पासपोर्ट जितने भी हमारे अधिकारीगण हैं वो सब मिलकर इस चुनौती का सामना करें, क्योंकि अब और इसके अंदर बढ़ोतरी होगी और अगर हम इस चुनौती को पूरा नहीं कर पाएंगे तो हम जो एक जनहितकारी अपना चेहरा दिखाते हैं उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा रोकना पड़ेगा। मुझे पूरी आशा है, आपके ऊपर विश्वास भी है कि ये चीज़ें ज़रूर पूरी होंगी। एक और छोटी सी चीज़ जो मैं हमारे क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों को बताना चाहता हूँ, आजकल सोशल मीडिया के अंदर बहुत चीज़ें आती हैं, सोशल मीडिया के अंदर बहुत सी शिकायतें भी आती हैं, तो हम ये चाहेंगे कि आपके लेवल पर उनका निराकरण हो या उसको उसका उत्तर मिले। वो कई दिन तक जब सोशल मीडिया में घूमती रहती है तो अच्छा नहीं लगता है, हो सकता है आपने निराकरण कर दिया हो, लेकिन जो लोग उन्होंने टैग किए हैं उनको ज़रूर टैग करिएगा ताकि ऊपर तक ये पता चले कि आपने अपनी तरफ से ठीक प्रकार से जवाब दे दिया। हमारे जो बाहर मिशन्स हैं उनके इंटीग्रेशन के लिए काम चल रहा है और मुझे आशा है कि इसके ऊपर जल्दी काम पूरा होगा ताकि हम हमारे बाहर जितने भी मिशन्स हैं उनको इंटीग्रेट कर सकें अपने इस सिस्टम के अंदर, और इससे जो फ़ायदा होगा वो आपको सबको पता है कि क्या फ़ायदा होगा। मैं आज के दिन जो हमारे पुरस्कार विजेता हैं उनको बधाई देता हूँ और पुनः आप सबको बधाई देता हूँ कि हमारी पासपोर्ट सेवाओं में जो वृद्धि हुई है, जो आपको कामयाबी मिली है, उसमें दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति हो। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद विदेश राज्य मंत्री महोदय। मैं अब विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी से एम पासपोर्ट मोबाइल ऐप के औपचारिक लोकार्पण के लिए निवेदन करती हूँ। Thank you.
माननीय विदेश मंत्री महोदय एवं उपस्थित अन्य मंत्रीगणों से पासपोर्ट सेवाओं में उम्दा प्रदर्शन करने वाले अधिकारीगणों को सम्मानित करने का आग्रह करती हूँ। सभी अवार्डीज से भी अनुग्रह करती हूँ कि आप एक लाइन में आ जाएं। द अवार्ड इन पुलिस वेरिफिकेशन कैटेगरी, तीव्र गति से पुलिस सत्यापन करने के लिए फर्स्ट प्राइज पुलिस वेरिफिकेशन में जाता है तेलंगाना स्टेट को। एंड मैं रिक्वेस्ट करती हूँ महेंद्र नेगी और डीजीपी पुलिस तेलंगाना जो आए और अवार्ड रिसीव करें। गिव ए बिग अप्लॉज टू देम। इनका जो एवरेज टाइम है वो 4 दिन का है और सिंस लास्ट 3 consecutive years दे आर गेटिंग दिस अवार्ड। द नेक्स्ट अवार्ड गोज टू श्रीमती जयलक्ष्मी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट आई रिक्वेस्ट हनीफ कुरैशी, IPS IGP सिक्योरिटी हरियाणा फॉर गेटिंग द अवार्ड इन द पुलिस वेरिफिकेशन कैटेगरी। एम पुलिस ऐप के सफल क्रियान्वयन के लिए ये अवार्ड संयुक्त रूप से पुदुचेरी एंड गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु को जाता है। श्री मंजुनाथ IPS ADGP टेक्निकल सर्विस विंग फ्रॉम तमिलनाडु एंड श्री सुनील कुमार गौतम DGP पुदुचेरी से आग्रह है कि वो अवार्ड रिसीव करें। सेकेंड अवार्ड द सेम कैटेगरी फॉर एम पुलिस ऐप गोज टू श्री प्रभात कुमार, स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मुंबई महाराष्ट्र। अगली कैटेगरी पासपोर्ट कार्यालयों में उम्दा प्रदर्शन के लिए है। द पासपोर्ट ऑफिस तिरुवनंतपुरम, श्री आशिक कारते। श्री रवि चावला, RPO सिंगला। डॉक्टर विष्णुवर्धन रेड्डी, RPO हैदराबाद। सभी पासपोर्ट कार्यालयों ने काफी उम्दा प्रदर्शन किया है। सभी कठिनाइयों एवं चुनौतियों के बावजूद उम्दा प्रदर्शन करने वाले पासपोर्ट अधिकारी द कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल अवार्ड द स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड इन इंडिविजुअल कैटेगरी गोज टू श्रीमती नीलम रानी, पासपोर्ट ऑफिसर अहमदाबाद। इंडिविजुअल कैटेगरी में अगला अवार्ड प्रवीण सहाय, पासपोर्ट ऑफिसर पटना। अगला अवार्ड श्री NLP चौधरी, पासपोर्ट ऑफिसर विशाखापट्टनम, इंडिविजुअल कैटेगरी में। द नेक्स्ट कैटेगरी इज फॉर द ग्रांटिंग ऑफिसर्स। द अवार्ड इन ग्रांटिंग ऑफिसर्स कैटेगरी गोज टू सुखता सुनील पाठक, सीनियर सुपरिटेंडेंट मुंबई। अंजू बाला, सीनियर सुपरिटेंडेंट RPO चंडीगढ़। श्रीमती अनीता भटनागर, सीनियर सुपरिटेंडेंट दिल्ली। इन द
Education Officers. The first award goes to P.K. Behra, Assistant Superintendent RPO Bengaluru. The second award goes to Sri R. Desi, Senior Superintendent, Senior Passport Assistant, RPO Chennai. The third award goes to Bhavna Bharat Kumar Vagela, Senior Passport Assistant, RPO Surat. The next category is Passport Printer Operator. The first award goes to Shri Anand Koduram Nizam Putkar, Assistant Superintendent, RPO Mumbai. The second award goes to Shri Ram Krishna, Assistant Superintendent, RPO Jalandhar. And the third award goes to Ashu Kumar, Assistant Superintendent, RPO Jaipur. The award to the TCS officials for best performance. And the first award goes to Shri Rajesh Shani, Infrastructure Lead, Tata Consultancy Services. The second award goes to Shri Pankaj Arora, Application Development Lead, TCS. And the third award goes to Salini Manchanda, Finance and Program Management Office, Office Lead, TCS. Last, not the least category, CSE Award at Passport Seva Kendra. The first award goes to Niyati Chaudhary, CSE RPO Surat. They are the best performer at the front desk of MEA. Shri Tarun Sharma, CSE RPO Seeker. And third award goes to Chetana Tapodhan, CSE RPO Vadodara. Dhanyavad Mantri Mahodaya and other ministers. And bahut bahut badhaiyan sabhi puraskar paane wale adhikariyon ko. Ab main mananiya videsh mananiya rajya mantri swatantra prabhar shri Manoj Sinha ji se request karti hu ki wo apna sambodhan kare. माननीय विदेश मंत्री आदरणीय सुषमा स्वराज जी, विदेश राज्य मंत्री सम्माननीय श्री वी के सिंह जी, सचिव श्री मूले, पोस्टल बोर्ड की सदस्य श्रीमती उषा चंद्रशेखर, संयुक्त सचिव श्री चटर्जी, सभागार में उपस्थित सभी क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारीगण, विदेश विभाग एवं डाक विभाग के सभी अधिकारी, देवियों सज्जनों, प्रेस तथा मीडिया के मित्रों, ये मेरे लिए प्रसन्नता की बात है कि आज पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर सम्माननीय विदेश मंत्री जी के कारण मुझे यहाँ उपस्थित होने का अवसर मिला है। सबसे पहले मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ और आप सबको पासपोर्ट सेवा दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ, पुरस्कार विजेताओं को विशेष रूप से। जनरल साहब जब बोल रहे थे तो उन्होंने विश्वसनीयता पर बड़ा बल दिया, इसलिए मैं बात वहीं से शुरू करता हूँ। बचपन से
गांव में रहते वक्त जिस व्यक्ति को सरकारी प्रतिनिधि के रूप में मैं जानता था या ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोग जानते होंगे, वो डाकिया ही है। एंड पोस्टमैन इज ऑलवेज विद लास्ट मैन। तो डाकिया भारत सरकार का प्रतिनिधि है जो गांव में रहता है। सम्माननीय विदेश मंत्री जी के प्रयत्न के कारण डाक विभाग विदेश विभाग से जुड़ गया और उसका प्रतिफल स्वाभाविक रूप से दिखाई पड़ रहा है। एक बात मैं जरूर जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि नागरिक केंद्रित जितनी सेवाएं हैं उनमें त्वरित समाधान करने की दृढ़ इच्छा शक्ति जो सम्माननीय सुषमा जी में है शायद कम लोगों में मैंने देखी। आज से कुछ महीने पहले की बात है, इसी पासपोर्ट को लेकर के मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में था, कुछ लोगों ने मुझे एक बात बताई थी और दूसरे दिन जब मेरी भेंट हुई तो मैंने उनके ध्यान में विषय लाया और मुझे खुद विश्वास नहीं हुआ कि 24 घंटे के अंदर ही उसका समाधान आया और मेरे यहाँ से लोगों ने फ़ोन किया कि साहब समाधान हो गया। तो मैं समझता हूँ कि यह जो पहल है उनकी नायाब पहल मैं कह सकता हूँ, इसके कारण 48 वर्ष और 48 महीनों में अगर तुलना करेंगे तो 48 महीनों की उपलब्धियाँ 48 वर्ष की तुलना पर बहुत भारी दिखाई पड़ती हैं। जहाँ 77 केंद्र थे 2014 तक, 2017 में बढ़कर के 93 हुए। एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मैसूर, कर्नाटक और गुजरात में दूसरा, जहाँ जनरल साहब गए थे, क्यों जनरल साहब, POPS के शुरू करने, पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र दाहोद, मुझे नाम ध्यान में आया, शायद 25 जनवरी 2017 वो तारीख है अगर मुझे स्मरण है तो। ये दो स्थानों पर जब पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र प्रारंभ हुए उसके बाद से विदेश मंत्री जी ने ये तय किया कि 251 स्थानों पर हम लोग ये पास POPS के खोलने का काम करेंगे, जिसमें से आज 214 फंक्शनल हैं, 6 पूरी तरह तैयार हैं जो किसी दिन आने वाले कुछ दिनों में काम करना प्रारंभ कर देंगे और 10 कुछ दिनों में और तैयार हो जाएंगे। तो मोटे तौर पर मैं कह सकता हूँ कि 230 शायद 15 जुलाई या जुलाई तक काम करने लगेंगे। अभी सम्माननीय विदेश मंत्री जी ही घोषणा करेंगे कि उनकी योजना क्या है। मैं एक बात जरूर कह सकता हूँ कि ये जो सेवा है, स्वाभाविक रूप से जब मैं विद्यार्थी था, इंजीनियरिंग करने के बाद मुझे कहीं छात्रवृत्ति मिली थी और मुझे जाना था पढ़ाई करने, तो गांव से चल करके मैं प्रदेश की राजधानी लखनऊ गया था और जो कठिनाई मुझे हुई थी पासपोर्ट हासिल करने में, मेरे स्मृति पटल पर वो दिक्कतें आज भी मौजूद हैं। और आज जिस तरह की सुविधा है सामान्य अनपढ़ आदमी में, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वहाँ बहुत सारे लोग दुनिया के दूसरे देशों में मजदूर के रूप में जा करके काम करते हैं, अनपढ़ लोग भी सुविधापूर्वक जिस तरह से पासपोर्ट प्राप्त कर रहे हैं, मैं निश्चित रूप से इसके लिए सम्माननीय विदेश मंत्री जी को, विदेश मंत्रालय के सभी अधिकारियों को और क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों को बधाई भी देता हूँ, उनका हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूँ। और पासपोर्ट अब सामान्य रूप से केवल पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है कि सामान्य व्यक्ति की ज़रूरत पासपोर्ट हो गई है। किसी को पढ़ने के लिए बाहर जाना है तो किसी को अच्छे काम के लिए बाहर जाना है तो किसी को अपनी सामाजिक प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए बाहर जाना है। और इसमें जो पहल सुषमा जी ने की है उसकी भूरी भूरी मैं प्रशंसा करता हूँ और मैं समझता हूँ कि पूरा राष्ट्र सुषमा जी की इस पहल का आभार व्यक्त करेगा आने वाले समय में। और जिस तरह का विस्तार इन्होंने दिया है, मैं मानता हूँ कि जो मूल भावना जिस वैचारिक पृष्ठभूमि से हम लोग हैं कि अंतिम व्यक्ति को भी सुविधा प्राप्त हो, मैं समझता हूँ कि उसको दृष्टिगत रखते हुए इस पहल को माननीय विदेश मंत्री जी ने बढ़ाया है। मैं अपनी ओर से, अपने विभाग की ओर से उनके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और एक जनप्रतिनिधि के नाते भी अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की ओर से भी उनका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ।
कि अब गाजीपुर में भी हमारे लोकसभा क्षेत्र के निवासी भी सुविधापूर्वक पासपोर्ट प्राप्त कर ले रहे हैं। आंकड़े में मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूँ, वो मूले जी ने बहुत विस्तार से बताया। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि सुषमा जी जो भी निर्णय लेंगी, डाक विभाग पूरी प्रतिबद्धता के साथ उस निर्णय में भागीदार है और जो भी उनका निर्देश होगा उसको पूरी तरह से डाक विभाग पालन करेगा। और एक बात अंतिम बात कह करके कि एक वरिष्ठ राजनेता अपने कनिष्ठ सहयोगी को कितना स्नेह देता है, ये मैं समझता हूँ सुषमा जी से वो प्रेरणा लेने की बात है। मैं इसके लिए भी उनका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद मंत्री महोदय। अब मैं माननीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी से उपस्थित अधिकारीगण के पद प्रदर्शन के लिए निवेदन करती हूँ। में जो पासपोर्ट क्रांति हुई है उस क्रांति के दूत आप हैं। मंत्रीगण नीति बना सकते हैं, अपनी इच्छा व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन उस नीति को जमीन पर उतारने का काम आप लोगों ने किया है। अगर वो नीति जमीन पर नहीं उतरती तो हिंदुस्तान के लोगों को उसका लाभ नहीं मिलता। इसलिए आज तक जितनी बधाइयां मुझे व्यक्तिगत तौर पर या वैसे मिली हैं, मैं सारी बधाइयां आपकी झोली में डालती हूं, क्योंकि उसके सही हकदार आप लोग हैं। मैंने क्रांति शब्द का उपयोग जानबूझकर किया क्योंकि ये परिवर्तन साधारण नहीं है। जिस समय मैंने ये जिम्मेदारी संभाली विदेश मंत्रालय की, तो ये पाया कि दो चीजें ऐसी हैं जिनका सीधा संबंध देशवासियों से आता है, बाकी सारा या प्रवासी भारतीयों से आता है या विदेश के नेताओं से आता है, और वो है पासपोर्ट और उस समय हमारे पास हज भी था। ये दो चीज़ें ऐसी थी जो सीधे लोगों से जुड़ी थी। बाद में हज मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को चला गया तो हमारे पास केवल एक सेवा ऐसी रह गई है जिसका सीधा संबंध देशवासियों से आता है। तो हमने समीक्षा की बैठकर, जनरल साहब बैठे, मैं बैठी, सारे अधिकारी बैठे, कि आखिरकार पासपोर्ट देने में कठिनाई क्या है और लोगों को किस किस मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमारे सामने उभर कर ये बात आई कि पहली कठिनाई है दूरी, डिस्टेंस, क्योंकि हमने ये पाया कि पूरे भारतवर्ष में कुल 77 पासपोर्ट सेवा केंद्र थे, 77 पासपोर्ट केंद्र इन इंडिया, पूरे भारत में। और आप हैरान होंगे, पूरे नॉर्थ ईस्ट में, पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक पासपोर्ट केंद्र था, वन आरपीओ, एक गुवाहाटी। अब नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य और कार्यालय एक गुवाहाटी में, यानी अरुणाचल वाले को आना हो तो वहाँ आए, त्रिपुरा वाले को आना हो तो वो वहाँ आए, सिक्किम वाले को आना हो तो वो वहाँ आए। तो हमने कहा सबसे पहला काम है इस दूरी को समाप्त करना। तो हमने नॉर्थ ईस्ट का निर्णय तो उसी दिन ले लिया कि हम एक वर्ष के अंदर अंदर सभी नॉर्थ ईस्ट के सभी प्रदेशों में अलग अलग पासपोर्ट सेवा केंद्र दे देंगे, और वो काम हमने समाप्त कर दिया। जो अवधि तय की थी उससे पहले उसको समाप्त कर दिया। इसके अलावा हमने 9 और पासपोर्ट सेवा केंद्र तय किए, कुल मिलाकर 16 पीएसके
हमने तय कर दिए कि हम नए खोलेंगे। लेकिन वो तो ऊंट के मुंह में जीरा था, 77 हो या 93 हो, देश थोड़े उससे कवर होता था। तो एक विचार आया मन में कि अगर डाक विभाग से जाकर बात करूं और उनका स्थान मिल जाए तो फिर बाकी चीज़ें हम लोग जुटा लेंगे और इस काम को बहुत जल्दी संपन्न कर पाएंगे। मैं आज हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगी मनोज जी आपका कि ये कार्य बिल्कुल संभव नहीं था अगर आपका सहयोग मुझे न मिलता उस तरह से जिस तरह से आपने दिया। मैंने मनोज जी से बात की तो जो बात कह के उन्होंने अंत किया अपनी बात का, उन्होंने कहा आप जो चाहेंगी वो हो जाएगा, आप निर्देश करिए। तो मैंने कहा नहीं, आप अपने अधिकारियों से बात कर लीजिए, देख लीजिए, मुझे हर जगह पासपोर्ट देना यानी हर लोकसभा क्षेत्र में पासपोर्ट देना है। उन्होंने कहा कर दीजिए घोषणा, दे देंगे। इतनी सरलता से बिना कोई सवाल पूछे बिना कोई जवाब आए तुरंत आप तय कर दीजिए। तो मैंने कहा ये तो बिल्कुल एकदम इतनी आसानी से उन्होंने कर दिया, तो भैया इसको लपको। ये जो अपने पास एक आवाहन आया है और उन्होंने कहा है कि हम तुरंत करने को तैयार हैं, तो हमने उसी दिन तय किया। दोनों विभागों के अधिकारी बैठे और हमने पहले चरण और दूसरे चरण में 251 पासपोर्ट सेवा केंद्रों की घोषणा कर दी, 251। और फिर तीसरे चरण में और 38 की हमने घोषणा कर दी, 289। लेकिन मुझे आज आपको बताते हुए खुशी है कि वो जो 251 की हमने घोषणा की थी उसमें से 212 और 38 में से भी दो, यानी 214 पासपोर्ट केंद्र ऑपरेशनलाइज हो चुके हैं, चालू हो गए। तो 16 पहले किए, 214 बाद में किए। आज के दिन मैं ये कह सकती हूँ आप 48 वर्ष बनाम 48 महीने की बात कर रहे थे मनोज जी, 48 वर्ष में देश में 77 पासपोर्ट सेवा केंद्र और तीन गुना 231 तीन गुना बनता है 230 विदिन 48 मंथ्स। तो 48 वर्ष बनाम 48 महीने की कहानी ये है कि 48 वर्ष में 77 पासपोर्ट सेवा केंद्र और 48 महीनों में और 230 नए पासपोर्ट सेवा केंद्र, यानी आज देश में 307 पासपोर्ट सेवा केंद्र काम कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि दूरी को किस तरह से हमने समाप्त किया, लेकिन संतोष नहीं है अभी, क्योंकि लक्ष्य ये है कि हर वो लोकसभा क्षेत्र जहां पीएसके या पीओपीएसके नहीं है वहां हर जगह हम लोग एक एक पीओपीएसके खोलेंगे। ये मैं आज पासपोर्ट सेवा दिवस के दिन घोषणा करना चाहूँगा। और जैसा मनोज जी ने कहा, मैं चाहूंगी कि दोनों अधिकारी, डाक विभाग के अधिकारी और विदेश मंत्रालय के अधिकारी इकट्ठे बैठे, मैपिंग हम करवा चुके हैं, उस मैपिंग के मुताबिक कहाँ कहाँ स्पेस अवेलेबल है, कहाँ कहाँ जगह उपलब्ध है, वो तय करके आप हमको लिस्ट दे दीजिए दोनों विभाग के अधिकारी इकट्ठे बैठ करके, और हम ये कार्य शुरू कर देंगे। देश का एक भी लोकसभा क्षेत्र ऐसा नहीं बचेगा जहाँ पीओपीएसके नहीं होगा, जहाँ पीएसके है वहाँ छोड़कर सभी जो नए जगहें हैं जहाँ पीएसके और पीओपीएसके नहीं है, हर उस लोकसभा क्षेत्र को एक पीओपीएसके अवश्य मिलेगा। या आज मैं पासपोर्ट सेवा दिवस के दिन घोषणा करना चाहती हूँ। उसके बाद हमने देखा नियम, तो मुझे लगा इतने अप्रासंगिक नियम, इतने अव्यवहारिक नियम, इतने अनावश्यक नियम, गैर जरूरी नियम चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं वर्षों से। पासपोर्ट एक 1980 में आया, चले जा रहे। तो एक कमेटी बनाई, उसमें विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लोगों को लिया, हमारे लोग बैठे, और हमने कहा कि इसमें जितने भी ऐसे नियम हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है सारे ख़त्म कर दो। 15 अनक्षर में से 6 अनक्षर हमने उसी दिन उड़ा दिए। फिर आया कि इन नियमों को सरल करने की ज़रूरत, इनको आसान बनाओ, इतना मुश्किल काम, इतना बड़ा फॉर्म, अनावश्यक चीज़ें पूछी जा रही। तो उस कमेटी की सिफारिशें आई, उन सिफारिशों को हम लोगों ने देखा और फिर बिल्कुल नागरिक केंद्रित आम आदमी को सुविधा देने वाले नियम बनाए। जैसे सबसे बड़ी मुश्किल थी जन्मतिथि प्रमाण पत्र, बर्थ ऑफ डेट, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, डीओबी,
ऐसा नियम था कि 26 जनवरी 1989 के बाद जितने लोग जन्मे हैं सबको अपना जन्मतिथि प्रमाण पत्र देना होगा, डेट ऑफ बर्थ देना होगा। अब बेचारे जो गांव में रहते हैं ना, उनके पास कोई म्यूनिसपैलिटी है जहां से वो लाएं, अगर वो स्कूल नहीं गए हैं तो स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट नहीं है, कहां से लाएं। तो हम लोगों ने तय किया कि 7-8 चीज़ें ऐसी डाल दो जिनमें से किसी भी एक में अगर डेट ऑफ बर्थ है तो हम उसको स्वीकार कर लेंगे, जैसे आधार है, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, इन तमाम चीज़ों में जो जन्मतिथि लिखी है हम उसको मान लेंगे। इसी तरह अनाथालय से हमारे सामने एक कठिनाई आई कि हमसे डेट ऑफ बर्थ मांगते हैं, जब ये बच्चा हमारे यहाँ आया हमको क्या मालूम ये कब पैदा हुआ था, कोई बाहर पालने में छोड़ गया, कोई उंगली पकड़ कर ले आया किसी 5 साल के बच्चे को, हमें तो ये भी नहीं पता उसके माता पिता को नहीं, डेट ऑफ बर्थ कहाँ से बताएंगे। तो हमने दो निर्णय किए अनाथालय के बच्चों के लिए कि उस अनाथालय का मुखिया जो सर्टिफिकेट दे देगा उसे हम डेट ऑफ बर्थ मान लेंगे, जो भी सर्टिफिकेट दे देगा उसे हम डेट ऑफ बर्थ मान लेंगे। इसी तरह से साधु संन्यासियों की बात आई, उन्होंने कहा कि जब हम संन्यास धारण कर लेते हैं तो हमारा माता पिता से कोई संबंध नहीं रह जाता, संसार से कोई संबंध नहीं रह जाता, तो आप जब पेरेंट्स का नाम मांगते हैं तो हम कहाँ से दें, हम अपने गुरु को जानते हैं जिन्होंने दीक्षा दी थी, आप हमारे गुरु के नाम से हमको पासपोर्ट देंगे। हमने कहा बिल्कुल देंगे, क्योंकि ये बहुत ही जायज़ कठिनाई है, आपका रिश्ता हट गया, अपने माता पिता को आपने छोड़ करके गुरु धारण कर लिया, तो आपके गुरु के नाम से उनको पिता के नाम पर रख करके हम आपको पासपोर्ट देंगे। फिर कुछ विवाहित महिलाओं की, कुछ विवाहित पुरुषों की दिक्कत आई कि हमसे मैरिज सर्टिफिकेट मांगते हैं, उनका मैरिज सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है पासपोर्ट के लिए, तो हमने काट दिया कि नियम उड़ा दो, किसी विवाहित पुरुष या स्त्री को अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाने की आवश्यकता नहीं है पासपोर्ट लेने के। उसके बाद डाइवोर्सी महिलाओं की सबसे बड़ी दिक्कत आई, ट्रॉमा में कुछ महिलाएं आकर के मुझे मिली, सब आपके पासपोर्ट अधिकारी कहते कि इसमें पूर्व पति का नाम लिखो, हमारा बच्चा ट्रॉमा में आ जाता है जब इस तरह का सवाल पूछा जाता है उससे। तो मैंने कहा तय करो, ना तो डाइवोर्स की डिग्री दिखाने को कहा जाएगा, उसकी भी अनिवार्यता समाप्त करो, और ना किसी तलाकशुदा पत्नी से उसके पूर्व पति का नाम मांगा जाएगा। मैं आपको बता नहीं सकती कि उसके बाद कितने ज़्यादा पत्र मुझे आए, कितने ज़्यादा ट्विटर पर मुझे मैसेजेस आए, और कितनी महिलाएं मुझे मिलने के लिए आईं कि मैम आपने हमारी ज़िंदगी सुधार दी, ये एक चीज़ आपको अनावश्यक लगी लेकिन आपके वहाँ काउंटर पे बैठे हुए लोगों को अनावश्यक नहीं लगती थी। तो मैंने कहा अब नियम में परिवर्तन हो गया, अब आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। ऐसे छोटे छोटे एक दो नहीं 20 सरलीकरण हम लोगों ने किए जिन्होंने लोगों की ज़िंदगी सुधार दी। प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कि ईज़ ऑफ लिविंग पे आप लोगों ने क्या कहा है किया है, तो मैंने उनको ये बताया कि ईज़ ऑफ लिविंग पे हमने ये काम किया है, तो ये जो तलाकशुदा महिलाओं वाला बात है ये उन्होंने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में डाल दी, जो महिला सशक्तिकरण के उन्होंने बिंदु बनाए हैं उसमें डाल दी कि इससे महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है कि उनको कोई अब ये नहीं पूछता आकर कि आपको अपने पूर्व पति का नाम देना। इसी तरह सिंगल पेरेंट्स की समस्या थी, तो हमने कहा कि दोनों का नाम देना ज़रूरी नहीं, आप अकेले माँ के नाम से भी ले सकते हैं, अकेले पिता के नाम से भी लेते हैं, और अगर माता पिता नहीं है तो अपने लीगल गार्जियन के नाम से भी ले सकते हैं, दोनों का नाम देना ज़रूरी नहीं। ये छोटे छोटे बदलाव हुए हैं, लेकिन जो लोग इसका दंश भोग रहे थे, इसका दर्द भोग रहे थे, अगर आपकी मुलाकात कभी उससे हो तो वो आपको बताएंगे कि उनकी ज़िंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन इस सरलीकरण ने किया है। और आज जो हमने सरलीकरण किया है, अभी जो ऐप आपके सामने आई उसके बारे में विस्तार से नहीं बताया, दो बड़े परिवर्तन किए हैं आज। पहला, आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं से भी अब पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। पहले ये आवश्यक था कि जिस पते पर आप रहते हैं उस पते के लिए के अंतर्गत जो PSK आता है आपको वहां जाना जरूरी था। अब आप रहते हैं दिल्ली, आप गए लखनऊ, आप गए जयपुर, आप गए कलकत्ता, वहीं कुछ ऐसी घटना घट गई कि आपको तुरंत पासपोर्ट की आवश्यकता हुई, आप वहीं बैठे बैठे अपना पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। पुलिस वेरिफिकेशन उस पते पर होगा जो पता आपने दिया हुआ है,
और आपका पासपोर्ट वहाँ डिस्पैच हो जाएगा। लेकिन आपको पासपोर्ट का आवेदन देने के लिए वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं होगी। केवल फ़ोन पर ये जो ऐप आई है इसके बारे में बता दूँ, पहली चीज़ तो ये कि आप पूरे हिंदुस्तान से पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं, पासपोर्ट एप्लीकेशन फ्रॉम एनीवेयर इन इंडिया, ये पहली चीज़ आज हो रही है। और दूसरी चीज़ हो रही है कि अभी तक आप अपने लैपटॉप या अपने डेस्कटॉप से ही ये आवेदन कर सकते थे, आज से आप अपने टेलीफोन पर भी अप्लाई कर सकते हैं अपना पासपोर्ट का। ये दो बड़े निर्णय हमारे आज के हैं, जो अभी ऐप हम लोगों ने बनाई है उसका कल हम लोगों ने टेस्ट भी करके दिखवा लिया है TCS वालों ने, कि आप अपने फ़ोन से अपना पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं और हिंदुस्तान में कहीं से भी आप अपना पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये दूसरी बड़ा, मतलब ये जो क्रांति चल रही है उसकी श्रृंखला में, उसकी कड़ी में लिए गए ये दो निर्णय हैं जिसको आज हम लोगों ने प्रारंभ किया। जैसे मैंने कहा कि क्रांति कभी समाप्त नहीं होती, ये एक यात्रा है जो चली है, जो प्रधानमंत्री जी की विकास यात्रा है उसमें ये पासपोर्ट सेवा की एक यात्रा कदम बढ़ाते हुए चल रही है। और हम जब उनको बताते हैं कि अब इतने हमारे पासपोर्ट सेवा केंद्र हो गए तो पूछते हैं पूरे देश में कब कर दोगी, तो मैं कहती हूँ इसी तरह अगल बगल मनोज जी और जनरल साहब का सहयोग मिलता रहे तो बहुत जल्दी कर देंगे। और मैंने आज आपको जो कहा मैं उसे घोषणा के रूप में दोहराना चाहूँगी कि अभी इस समय देश में 307 पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं लेकिन लोकसभा क्षेत्र हैं 543, और हो सकता है इसमें किसी लोकसभा क्षेत्र में दो भी आ गए, लेकिन लोकसभा के सभी 543 क्षेत्रों में जहां PSK या POPSK नहीं है वहां हम एक एक POPSK अवश्य देंगे, ये मेरी घोषणा है। और डाक विभाग और विदेश मंत्रालय विभाग मिलकर के उन तमाम POPSK का जगह तय कर लेगा जहां हमको ये काम करना है। एक बार वो सूची बन गई तो इन दोनों के सहयोग से बहुत जल्दी हम इस काम को पूरा कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, और जो काम आप कर रहे हैं उसके लिए पुनः आपके प्रति आभार भी, आप सबको आशीर्वाद भी, और आपको बहुत बहुत बधाई भी पासपोर्ट सेवा दिवस की। बहुत बहुत धन्यवाद। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी आपकी टीम का हिस्सा होकर गौरवान्वित फील करते हैं, और मैं ये कहना चाहती हूँ इस मंच से कि पासपोर्ट सेवाओं के सरलीकरण और पासपोर्ट सेवाओं में आए क्रांतिकारी बदलाव के लिए आने वाली पीढ़ियाँ आपको याद करेंगी। अब मैं माननीय सचिव महोदय, संयुक्त सचिव महोदय श्री अरुण कुमार चटर्जी से धन्यवाद ज्ञापन के लिए अनुरोध करती हूँ। पासपोर्ट अधिकारीगण, TCS के अधिकारीगण, मीडिया से आए हमारे मित्र दीदी और सज्जन, ये मेरे लिए एक अत्यंत गौरव और सौभाग्य की बात है कि आज पासपोर्ट अधिकारी सम्मेलन के इस उच्च स्तरीय भाग में मुझे धन्यवाद ज्ञापन प्रस्ताव पेश करने का अवसर मिला। आज हम 6वें पासपोर्ट सेवा दिवस भी मना रहे हैं। मैं सर्वप्रथम माननीय विदेश मंत्री महोदय के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाला और पासपोर्ट अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया। मैम, आपके शब्दों ने तो हमारे अंदर एक जोश पैदा कर दिया है। आपने जो आज पासपोर्ट अप्लाई करने है स्कीम का हमने नाम दिया है उसका लोकार्पण किया, नए एम पासपोर्ट ऐप का लोकार्पण किया, और आपके शब्दों ने हम सभी को काफ़ी उत्साहित किया है। और हम आपको आश्वस्त करना चाहेंगे कि आपके द्वारा हमारे लिए निर्धारित आपकी दूरदृष्टि और लक्ष्य को प्राप्ति के लिए हम हर वक्त प्रयास करते रहेंगे।
माननीय संचार राज्य मंत्री श्री मनोज सिन्हा जी का भी इस सम्मेलन में आने के लिए और अपनी गरिमामय उपस्थिति के लिए हार्दिक आभारी हैं। सर, आपके मार्गदर्शन पर चलकर और सभी डाक विभाग ऑफिसर के साथ काम करके आज हम 214 POPS के बाद उद्घाटन कर पाए हैं और हम आशा करते हैं कि हम बहुत शीघ्र बाकी जो 251 रह गए हैं, 251 में से हम उसको भी पूरा कर पाएंगे। आज माननीय विदेश राज्य मंत्री श्री वीके सिंह जी की उपस्थिति हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। सर, हम आपके निर्देशों का पालन करेंगे और केंद्रीय पासपोर्ट संगठन हमारे नागरिकों को पासपोर्ट सेवा कुशल रूप से प्रदान करने के लिए अथक परिश्रम करेंगे और न केवल शिकायतों को कम करेंगे सर और काम करेंगे बल्कि शिकायतों को शीघ्र निवारण के दिशा में भी हम काम करेंगे। मैं अपने सीबीवी प्रभाग के सारे अधिकारी और क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों का भी हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अथक परिश्रम किया और हमारा साथ दिया। हमारे सर्विस प्रोवाइडर TCS के सहायता और सहयोग के लिए हम हर वक्त आभार व्यक्त करते हैं। पिछले कुछ दिनों में हम उनके सहयोग से ये दोनों स्कीम को पूरा कर पाए जिसको आज विदेश मंत्री महोदय ने लॉन्च किया। नए संयुक्त सचिव एक्सटर्नल पब्लिसिटी और उनकी टीम का भी धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि उनके बहुमूल्य सहयोग के लिए और उनके सहायता से ही हम आज ये प्रोग्राम कर पा रहे हैं। मैं इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए हमारे मीडिया से आए हुए सभी साथियों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। अंत में मैं संयुक्त सचिव प्रशासन और संयुक्त सचिव स्थापना तथा उनकी सक्रिय टीम को इस कार्यक्रम को पेशेवर तरीके से सुचारू संचालन करने के लिए अवश्य अपना आभार देना चाहूँगा। पासपोर्ट सेवा दिवस मनाने हेतु हमारे साथ आप सब शामिल हुए हैं और इस समापन को इस कार्यक्रम को समापन करने से पहले मैं आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। अब मैं आप सबको माननीय विदेश मंत्री महोदय द्वारा आयोजित किए जा रहे जलपान में आमंत्रित करना चाहूँगा। धन्यवाद।